नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक बहुत बेहतरीन सेशन, एक बहुत बेहतरीन खुशखबरी आप सभी के लिए लेके आया हूं और यकीनन आप इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे। ये है आपके टीचिंग वैकेंसी यूपीपीएससी की तरफ से एलटी ग्रेड वैकेंसीज के लिए। आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में मैंने लिखा है बीएड वालों के लिए गुड न्यूज। बिल्कुल, जब ऐसी ऐसा समय चल रहा होता है जहां पे बीएड वालों को कहीं रास्ता नहीं दिख रहा होता है और उनके लिए वैकेंसीज आती है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ, एक गुड न्यूज है। और ये केवल बीएड वालों के लिए नहीं, आप ऐसे बोल दो कि टीचिंग जगत में अगर कोई भी अपना करियर बनाना चाहता है, जिसके पास उसका खुद का ग्रेजुएशन है और फिर बीएड है, तो फिर आप इसके लिए इससे बेहतरीन वैकेंसी कोई नहीं हो सकती। और मैं इस पूरे सेशन में समझाने वाला हूं कि किस प्रकार से वैकेंसी आपकी आने वाली है, कितने पद आने वाले हैं, कौन इसके लिए फॉर्म भर सकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल होता है, क्या इस बार पूछा जाना है, पैटर्न में बदलाव हो रहा है, सिलेबस में बदलाव हो रहा है, आप लोग तमाम न्यूज कटिंग भी देख रहे हो, तो ये चेंजेस किस प्रकार से इंपैक्ट डालेंगे, कट ऑफ क्या गया था पिछली बार 2018 की वैकेंसी में, ऐसा क्या हुआ जब 3 से 3,500 बच्चे बाहर हो गए, लगभग 10,700 वैकेंसी में केवल 6-7,000 बच्चे सेलेक्ट हो पाए, 3,000 से ज्यादा बच्चे बाहर हो गए, ऐसा क्या हुआ था, क्या वो गलतियां दोबारा होंगी, ऐसे तमाम चीजों पे हम लोग इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो भाई पूरे वीडियो को आप लोग अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आप समझ पाओ कि आप लोग को आने वाली वैकेंसी एलटी ग्रेड में किस प्रकार से तैयारी करनी है और क्या क्या बंधुओं को दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि आखिर एलटी ग्रेड क्या है। बहुत सारे बच्चे ये जानते नहीं कि एलटी ग्रेड क्या होता है। दो चरणों में इस बार परीक्षा होनी है, अभी तक एक ही चरण में परीक्षा होती थी 150 नंबर का। और बीएड वालों के लिए किस प्रकार से ये संबंधित है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, एज एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एग्जाम डेट, जॉब डेट, सैलरी, सब कुछ हम लोग इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसे करते हैं प्रारंभ अभी से। ये कहानी 2018 से स्टार्ट हुई थी, विवादों से घिरी हुई थी। कौन सी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई थी वर्ष 2018 में 15/3/2018 को। इसका एप्लीकेशन बिगिन हुआ था 15 मार्च 2018 को। लास्ट डेट इसका 12/4/2018 था। रीओपन इसके किसी कारण से दोबारा फॉर्म ओपन किया गया इसे आहर्ता को लेकर, और फिर आपका क्या हुआ, ये जो वैकेंसी रही 4/6/2018 तक इसका फॉर्म रहा, रीओपन जो डेट क्लोज हुई वो 14 जून को क्लोज हुई 2018 में ही। एग्जाम आपका एक महीने बाद करवा लिया गया, ज्यादा समय एग्जाम में नहीं दिया गया। और यहीं से कहानी शुरू हुई कि बच्चों को यह लग रहा था कि ये तो यूपीपीएससी है, ये लेट लपाट करेगी। वर्ष 2018 में यूपीपीएससी के हालात वाकई में खराब थे। उस समय क्या होता था, परीक्षाएं बहुत लेट लपाट होती थी, जिनके चलते बच्चे आराम से बैठे थे कि हम इसमें तैयारी आराम से कर लेंगे। बट हुआ क्या कि फॉर्म की डेट आप देखोगे जब दोबारा रीओपन हुआ तो 14/6/2018 का ये क्या था, लास्ट डेट था, और एग्जाम की डेट 29/7 थी। ये इसलिए थी क्योंकि इनकी तैयारी मार्च से ही थी, और इसीलिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि फिर से यूपीपीएससी के द्वारा जब ये 2018 में जब इतना सारी चीजें लेट लपाट चल रही थी, उस समय जब इन्होंने क्या किया, जब मार्च में इन्होंने बता के और कहां पे जुलाई में पेपर करवा लिया, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीना बीच में देखे, तो यूपीपीएससी फिर से इस पे काम करना प्रारंभ कर दी है। और ये आपको लगभग जून में पता चलेगा और इसके एग्जाम भी ये कैलेंडर में सम्मिलित करने वाले हैं, जितनी भी रिजर्व डेट इनमें है, और आपका बहुत जल्द इसका घोषणा भी हो जाएगी। तो इस बार भी समय नहीं मिलेगा, ये पुरानी डेट है। पिछली बार जो वैकेंसी थी टोटल 10,768 वैकेंसी थी। एक एक चीज मैं आपको दिखा दूं कि किस प्रकार से मेल और फीमेल की वैकेंसी थी। और पिछली बार भी आपसे पूछा हुआ था जो क्वालिफिकेशन चाहिए थी, वो आपकी बैचलर डिग्री चाहिए हुई थी, और क्या चाहिए था, आपको बीएड चाहिए हुआ था। इस बार आपके में बहुत सारी चीजें अलग अलग हैं जो मैं आपको यहां पे अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। तो आप समझिए कि कौन बच्चे एलटी ग्रेड का फॉर्म भर सकते हैं, इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या आप अगर 4600 ग्रेड पे की नौकरी मिल जाए तो इससे बेहतरीन क्या है। अगर आप पे स्केल देखोगे तो 44,900 से लेके 1,42,400 4600 ग्रेड पे, मतलब आप समझते हो, अगर मैं आपसे बोलूं तो यूपीपीएससी के द्वारा जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसीज होती हैं, लगभग उनके में एग्जैक्टली नहीं बट लगभग उनकी समकक्ष की क्या होती है, सैलरी होती है। अब आप समझो। और दूसरी बात, ये आयोग के द्वारा, यूपीपीएससी के द्वारा होती है। और तीसरी बात, आपको पता है कि राजकीय ये कहां पे होती है, आप इसमें अध्यापक बनोगे वो मैं आपको बता दूं, जॉब प्रोफाइल आपका क्या होगा और कहां पे आप जाओगे, तो आप लोग कहां पे राजकीय जो इंटर कॉलेजेस होते हैं तमाम जनपदों में, जैसे आप ये देखो इलाहाबाद का देख लो, ये देख लो,
पहचान लो कि किसके जनपद का है, मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप लोग पहचान गए होगे कि आपके जनपद का राजकीय इंटर कॉलेज में दिखा रहा हूं तो मुझे कमेंट करके बताना, हां सर कहां से हो और बिलोंग करना भी, आप कहां से बिलोंग करते हो ये भी कमेंट करके बताना कि आप किस जगह से बिलोंग करते हो, किस राजकीय इंटर कॉलेज में जाना चाहते हो। तो ये 9-10 वालों के लिए क्या है, राजकीय विद्यालयों में जॉब होती है, जो एलटी ग्रेड होती है, 9th और 10th को आपको पढ़ाना पड़ता है, जो 11th 12th होते हैं वो जीआईसी की तरफ से आते हैं, ये प्रवक्ता के जॉब से आते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका एलटी ग्रेड 9th 10th के लिए होता है और एज जो इसमें मांगी जाती है 21 से 40। तो आप लोग अपने जो भी एज में हो मुझे कमेंट करके बताइएगा, हाँ सर मैं एज क्वालिफिकेशन में हूं, और साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन, क्योंकि अलग अलग विषयों के लिए होता है। तो अलग अलग विषयों का अलग अलग क्या होता है, इनका समकक्षता होती है, अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है, साथ में कंपलसरी रूप से आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। और इसका एक्सपेक्टेड सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या होगा। अभी तक क्या होता था, अभी तक मैं आपको बता दूं, वर्ष 2018 में 150 क्वेश्चन का पेपर होता था, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके क्या थे, 30 क्वेश्चन आपके जीएस के होते थे, और 120 क्वेश्चन आपका क्या होता था, 120 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से पूछा जाता था। तो इसमें क्या होता था, बच्चा जीएस को नहीं पढ़ता था, 120 में से मैक्सिमम नंबर ले आता था, उसका सिलेक्शन हो जाता था। हालांकि ये क्या था, हालांकि 1/3 यहां पे नेगेटिव थी, मतलब कि तीन गलत पे एक सही का भी नंबर चला जाता था, और जिसके कारण से बच्चों को बहुत लॉस भी हुआ था। तीसरी चीज, यहां पे बच्चे इस एग्जाम को इतना लाइट लेते थे कि एलटी ग्रेड में क्या होता था, कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं था, अगर बस 2015-16 में बात किया जाए तब की, बट 2024 में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंपटीशन भी होने वाला है, तो बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। और 2018 में यही सीन हुआ था, बाद में सरकार ने क्या बोल दिया कि भाई आप तो लायक ही नहीं हो, आप तो उस नंबर ही नहीं पा रहे हो, तो ओबीसी के लिए, जनरल के लिए इन्होंने क्या बोल दिया कि आपको कम से कम 40% नंबर लाओगे तभी आप टीचर बन पाओगे। ऐसे एससी एसटी ओबीसी सबके लिए अलग अलग कैटेगरी रख दिया। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो वाकई में 150 का 40% नंबर नहीं ला पाए, बहुत सारे बच्चे 35 नंबर, 40 नंबर, 45 नंबर नहीं ला पाए, जिसके चलते वो क्या हो गए, एग्जाम से बाहर हो गए थे। इस बार इन्होंने क्या किया, इस बार क्योंकि बहुत ज्यादा आप देख रहे हो प्रश्न पत्र भी आउट हो रहे हैं, आप ये भी देख पा रहे हो कि बहुत ज्यादा क्या हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा धांधली हो जा रही है। और कहीं ना कहीं क्या होता था, जो 2018 में भी यही हुआ था, दो विषयों के लेके एक चर्चा का विषय बना था, और उन दो विषयों की बात किया जाए तो वहां पे भी वो उसके बोल सकते हो कि धांधली के चलते ही उनका रिजल्ट रोका गया था। वो समस्या दोबारा ना हो, इस बार क्या करेंगे, इस बार ये दो पेपर करवाएंगे, ये प्रीलिम्स करवाएंगे, प्री करवाएंगे, प्लस मेंस करवाएंगे। अभी तक आपका सिंगल पेपर होता था, अब आपका प्री प्लस मेंस होगा, और प्री आपका लगभग 300 नंबर का पेपर होने वाला है, जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है, और 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसे तमाम परीक्षाएं यूपीपीएससी करवाता आया है, जैसे आपका बोल सकते हो खंड शिक्षा अधिकारी का, ये तमाम ऐसे परीक्षाएं जहां पे दो चरणों में परीक्षा करवाए हैं, और प्रथम जो चरण है, जो जनरल है, वो 120 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन अलग अलग कैटेगरीज में रखे हैं, बट ये टीचिंग कैटेगरी का है, तो मोस्ट चांस है आपका 120 क्वेश्चन रखा जाएगा। सामान्य अध्ययन है तो इसमें आपका साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन, ज्योग्राफी, आपका साथ में करंट अफेयर्स, रीजनिंग, और आपका यहां पे कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स, और ये देखा जाए तो एजुकेशन, कल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश मतलब कि यूपी भी पूछा जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये आपका सिलेबस प्रीलिम्स का होने वाला है, ये ऑफिशियली एग्जैक्टली है तो ये ऑफिशियली, बट एग्जैक्टली ये ऐसा बोल सकते हो कि एलटी के नाम पे नहीं आया है, बट आपके चांस हैं कि यही रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। और 120 क्वेश्चन लगभग 300 नंबर का रहेगा, हालांकि ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसके मार्क्स आपके जुड़ेंगे नहीं। उसके बाद आप मेंस देंगे, और मेंस में इस बार केवल आपके सब्जेक्ट का पेपर होगा, और चांसेस है वो भी ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव ना कराएं। हालांकि यूपीपीएससी मेंस के मैक्सिमम पेपर सब्जेक्टिव कराता है, बट टीचिंग लाइन में अगर ऐसा चांसेस बन रहा है कि 9th 10th का जो पेपर होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, आपका सब्जेक्टिव नहीं होगा। सब्जेक्टिव इन द कहने का मतलब आप लिखोगे नहीं, आप केवल टिक मारोगे, ओएमआर भर के आओगे। तो आपका क्या है, प्रीलिम्स प्लस मेंस होने वाला है, इसकी तैयारी आप अभी से कर दीजिए। ये आपके मेंस वाले जो बच्चे उनकी एलिजिबिलिटी है, असिस्टेंट टीचर, इसे असिस्टेंट टीचर के नाम से भी जाना जाता है, मेन वुमेन की अलग अलग वैकेंसी आती है। हिंदी वालों के लिए एलिजिबिलिटी ये है, असिस्टेंट टीचर मेन इंग्लिश वालों की एलिजिबिलिटी ये है, एक बार देख लीजिएगा। मैथ वालों की एलिजिबिलिटी ये है, असिस्टेंट टीचर की जो आपका साइंस, साइंस वालों के लिए फिजिक्स या केमिस्ट्री होना चाहिए, और बायो वालों के लिए ध्यान देना ये क्या है, यहां पे आपका जो जो बायो के टीचर होते हैं उनके लिए जूलॉजी और बॉटनी होना चाहिए, साइंस वाले में कंफ्यूज मत होइएगा, बाकी उर्दू के लिए उर्दू लैंग्वेज से होना चाहिए,
कंप्यूटर के लिए आप ध्यान देना बीई बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या अगर बीएससी कंप्यूटर साइंस हो तो वो भी कर सकते हो, या बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब कि बीसीए, आप बीएससी कंप्यूटर साइंस इसमें बीसीए वाले भी एलिजिबल हैं। तो बीसीए वाले बच्चे बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा आप लोग परेशान रहते हो सर हम कौन सा फॉर्म भरें, 4600 ग्रेड पे की नौकरी भैया, और आपके सब्जेक्ट का पूछेगा, बाकी जीएस वगैरह तो आप पढ़ते रहते हो, आपके लिए ये एलटी ग्रेड वाकई में बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो बीसीए वाले मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। बाकी सोशल साइंस में आप ये चार विषय में से किन्हीं दो विषय का कॉम्बिनेशन होना चाहिए तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें आप एलिजिबल हो। साथ में अगर बात किया जाए संस्कृत में तो संस्कृत से होना चाहिए बाकी बीएड, ऐसे आर्ट्स में बात किया जाए तो आर्ट सब्जेक्ट फाइन आर्ट्स होना चाहिए बाकी बीएड, और म्यूजिक से होना चाहिए तो बैचलर डिग्री म्यूजिक में होना चाहिए। इसमें बीएड की आवश्यकता नहीं होती, म्यूजिक वालों की अच्छी बात यह है। बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया विद संगीत विशारद फ्रॉम भातखंडे संगीत महाविद्यालय और संगीत प्रभाकर फ्रॉम प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद। इसमें आपका क्या होना चाहिए, इसमें आपका बीएड डिग्री नहीं होना चाहिए। नो क्वालिफाई नो क्वालिटी पॉइंट शैल बी एलोकेटेड फॉर संगीत विशारद और संगीत प्रभाकर। अच्छा इसमें बोला है सेकंड बीएड डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड मांगा है, इसमें ध्यान देना बाकी जगह पे तो नहीं मांगता, यहां पे इन्होंने संगीत वालों से भी बीएड मांगा है तो संगीत वालों को भी बीएड यहां पे करना अनिवार्य है। असिस्टेंट टीचर कॉमर्स में क्या है, इसमें भी आपका कॉमर्स से होना चाहिए बीएड होना चाहिए। तो ये आपके क्या है, ये आपके मेंस वाले जो है जो आपका सब्जेक्ट है होम साइंस फिजिकल एजुकेशन और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर भी देख लेना। एग्रीकल्चर का जनरली मेन में आता है, इस बार महिलाओं का देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये बहुत बहुत अच्छा चांस है आपके लिए एलटी ग्रेड की वैकेंसी। अब रही बात कि इसमें सर अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी तैयारी कर दें तो तैयारी कहां से स्टार्ट करें और क्या करें, क्योंकि ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि शायद वो कटिंग में यहां पे इसमें लगा नहीं है या कटिंग इसमें कहीं दिख नहीं रही है। मैं आपको दिखा था कि पेपर कटिंग आजकल बहुत ज्यादा चल रही है और उस पेपर कटिंग के बिहाफ पे बहुत ज्यादा आप लोग परेशान भी होते हो कि ये न्यूज आ रही है, न्यूज आ रही है, इसमें क्या किया जाए। तो आज भी पेपर की कटिंग में था कि दो चरणों में होगा, जिसके कारण से मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं, ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि पेपर कटिंग पे इतना विश्वास नहीं मैं करता हूं जितना मैं अपनी बातों पे या फिर आप लोग के लिए सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बताता हूं। तो एक बात निश्चित रूप से आप समझिएगा, अब आपकी एलटी ग्रेड की वैकेंसी के सारे पेज आपके क्लियर है। इस बार आपके लगभग 6000 पदों का अधियाचन मिल चुका है। ये आप कोई बोले कि 10,000, 11,000, 12,000, 15,000 तो बातों में मत आना, 6000 के आसपास आपका अधियाचन अभी तक जो मिला है, 3000 पिछली बार भी बच गई थी, अब ये 3000 उसी में इंक्लूडेड है या फिर एक्सक्लूडेड है ये बात अलग है। अगर वो एक्सक्लूडेड होगा तो ये 9000 होगा, अन्यथा ये 6000 अगर इंक्लूडेड होगा तो ये मान के चलिएगा टोटल 6000 ही पद आपके पास आने वाले हैं। लेकिन बहुत अच्छा चांस है इस बार, और इसका जो फॉर्म आ जाएगा मेरे ख्याल से जुलाई महीने तक एनी हाउ आ जाएगा, और एग्जाम भी आपका हो सकता है कि अक्टूबर महीने तक बहुत आराम से इसका प्रिलिम्स करवा लिया जाए। तो अगर आज से देखा जाए, आज से आपका मई महीना जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 6 महीने हैं, और जो आपको बोल सकते हो पेपर आपका प्रिलिम्स होना है वो स्तरीय लेवल का होता है, वो काफी अच्छे लेवल का होता है, तो आपको उसके लिए बहुत अच्छी मेहनत भी करना है। यूपीपीएससी करवाता है, मजाक में मत लीजिएगा कि हम बिना पढ़े भी कर लेंगे, बिना पढ़े आपका नहीं होगा। और टीम परीक्षा प्लस इसके लिए बहुत प्रॉपर बहुत बेहतरीन क्लोज क्लास भी चलाने वाली है, जिससे आप क्या कर सकते हो, जिससे आप जुड़ सकते हो। तो लेकिन ये क्लास मैं तब चलाऊंगा जब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर मैं इस वैकेंसी के लिए रेडी हूं। जितना आप बोल रहे हो मैं सारी बातें फॉलो करने वाला हूं, मैं इसकी क्लास आपको चलाऊंगा। अभी सबसे पहले आपका प्रीलिम्स का बैच आएगा, प्रीलिम्स का बैच आएगा जिसमें हम लोग जीएस को स्टार्ट करेंगे। इसके डेमो क्लासेस भी हम लोग कुछ दिन में आपको देने लग जाएंगे, उसके लिए परेशान मत होइए। लेकिन इसकी फीस जो है सबसे बड़ा मुद्दा है कि फीस इसकी क्या रखी जाए, और ये मैं छोड़ता हूं आपके ऊपर कि आखिर जीएस के प्रीलिम्स के लिए यूपीपीएससी के लिए आपकी क्या डिमांड है। देखो फीस तो रखना होगा, और आप इसमें 200 300 400 रुपए भी मत करिएगा, पता लगे 200 300 400 आपकी फीस में कोई रख तो देगा, लेकिन जो क्वालिटी है बेटा 300 400 में नहीं दी जा सकती, ये बात आप भी एक क्वालिटी से खिलवाड़ मत करिएगा। तो एक जो जेन्युइन आपको लगे हाँ सर इतना रख दिया जाए, आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपकी बातों को झूठा नहीं जाने दूंगा। मैं आपके बताए हुए जो मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे उनके आधार पे मैं क्या कर दूंगा, उनके आधार पे इस बैच की फीस रख दूंगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और हां, जिस बच्चे के कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होगी उस बच्चे का कोर्स मैं फ्री भी कर दूंगा, ये भी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो चलिए, उम्मीद है कि मेरी ये बात आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार, और एलटी ग्रेड की तैयारी में जल्दी से जुड़ जाते हैं। सारी डेट मैं आपको बहुत जल्द लेके आता हूं, लेकिन पहले आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, फिर मैं सारी चीजें आपको अनाउंस करता हूं। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।